बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 के बाकी के न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे। पेज नंबर है 121 और चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। वहाँ पर लिखा हुआ है, टू बॉल्स ऑफ 40 किलोग्राम्स एंड 20 किलोग्राम्स मासेस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। Find the distance between the masses if the value of g is 6.67 exponent -11 newton meter square per kilogram square. तो जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको मिला है, उस हिसाब से हमने डाटा बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हम F को नीचे लेकर आ गए। इसी स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर को मूव कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया। इसी स्टेप में हमने क्या किया है, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, G की वैल्यू, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू डेटा में से। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 6.67 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 3.33 ये हम कैलकुलेटर में फीड करेंगे और हमारा आंसर आएगा 10 की पावर -11 ये एज इट इज़ है और 10 की पावर -7 ये न्यूमिरेटर में साइड में चला गया, तो 10 की प्लस पावर प्लस 7 हो गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये पावर -4 हो गई। हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंट -4 का मतलब था 0.4 डिजिट पीछे ले जाएं, तो हमने इसको पॉइंट को 4 डिजिट पीछे ले गए तो ये वैल्यू बन गई। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका रूट निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 7.8। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स एंड मास ऑफ द सन इज 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम्स। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा आपकी स्क्रीन के सामने, मास ऑफ अर्थ को हमने M1 कंसिडर कर लिया और मास ऑफ सन को हमने M2 कंसिडर कर लिया और उसकी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, G की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन लेकिन ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो हमें इसको यूज करना है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, हम इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और हमारे पास आंसर आएगा 80.04। ये और ये एज इट इज लिख देंगे। इसी स्टेप में यहाँ पे 1.49 का स्क्वायर करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 10 की पावर 11 है और उसके पास टोटल पावर है 2, तो पावर रेज टू द पावर इज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11 टू आर 22 हो जाएगा। अब हम इस अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, एक्सपोनेंट को हम न्यूमेरेटर साइड पे ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। हम इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे करेंगे तो इसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।